हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको इसमें 2% के अपसाइड के साथ ट्रेडिंग नज़र आ रही है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 198.65 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल की वीडियो में हमने कहा था कि इसमें एक जंप देखने के लिए मिल सकता है टारगेट के तौर पर 190 और 190 के ब्रेकआउट के बाद 194 और 200 तक के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा हमने डिस्कशन किया था कल की ही वीडियो में। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने जो है 200 के लेवल को ब्रेकआउट किया, 204 तक के लेवल हमको दिखाए, 204 के आसपास से हमको स्टॉक रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक जो है ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमको और तेज़ी इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 200 के आसपास हमको नज़र आती है तो कल की डेट में भी हमको एक बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 196 का लेवल, जहाँ से हमको इस वक्त सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है 194 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था हमको 194 का लेवल, और इसी को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अब तगड़े सपोर्ट का काम करेगा 190 का लेवल, एक तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से हमको और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 200 के आसपास आती है तो ऐसे कंडीशन में हमको कल की डेट में ये जो इसका हाई 204 तक का जंप अगेन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 200 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में इसका ये हाई भी ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांस हमको नज़र आ रहे हैं। फिर वैसी कंडीशन में 204 के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 210 का लेवल, 210 तक के टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में ही एनसीसी में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।